मार दिए। तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के से एक और न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और ये वाला गेम प्ले ना इतना ज़्यादा ओसम है और इसमें ऐसी चीज़ें होने वाली है ना भाई। अभी तो एक ये वाला मैच है और एक इसके बाद वाला मैच, दोनों मैच खतरनाक। इस वाले मैच में तो तुम्हें ऐसा एक्शन देखने के लिए मिलेगा, तुम कहोगे कि भाई ये क्या कर रहे थे तुम। अभी यहाँ पे मैं और मेरा टीममेट उतरे हुए थे सेवरनी में, और यहाँ पे भाई हमने एक बंदे को नॉक करा जो कि शैग में चला गया था। अभी बारी थी इसके टीममेट्स की, और दो टीममेट हमने इसके नॉक कर दिए थे, और यह आया एक और तीसरा। भाई आज मुझे एक बंदा दिखा। इनका जो फोर्थ टीममेट था ना वो इतना ज्यादा डरपोक था, वो भाई जैसे ही उनने देखा कि इसके दो तीन बंदे पिट गए वो भागने लगा पीछे। अब यार ये अगर पहले आके मर जाता तो सही रहता, पर भाई अभी हमने इसे पागल बना के मारा। नहीं मतलब भाई कहाँ पे देख रहा था ये बंदा, मैं तो बिल्कुल रोटेट करके इसके पीछे ही आ गया था। अभी भी जो है गाइस सेवर्दी में बंदे खत्म नहीं हुए थे, थ्री स्टोरी की साइड अभी भी बंदे थे जिनको कि हमें खत्म करना था। फिलहाल तो मैं ब्रोकन वॉल की साइड से इन दोनों बंदों को नॉक कर देता हूँ इजीली, पर भाई जो तीसरे वाला बोट था ना उसने मेरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। अब देखो जब बोट आ जाते हैं ना तो एक तरीके से भाई थोड़ा सा ध्यान हमारा बोट पे चला जाता है, और भाई इसी चीज़ के चक्कर में ये दोनों बंदे मर गए। अब यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती पबजी मोबाइल में आज भी बंदे ये वाला टोटका क्यों करते हैं भाई। जब भी वो नॉक होंगे ना सब कुछ गिराते हुए चलेंगे, जैसे कि भाई हम गिरा हुआ सामान तो उठा नहीं सकते भाई, हम सब उठा लेंगे यार। अब देखो हमने पूरा का पूरा सेवर्नी क्लियर कर दिया था, उसके बाद आए हम स्कूल पर, और यहाँ पे ऑलरेडी फाइट हो रही तो हमें ये तो पता लग गया था भाई यहाँ पे बंदे तो हैं। अब बारी थी बस इन बंदों को मारने की, पर इसी के साथ यहाँ पे एक और दिक्कत थी, पीछे भी कुछ टीम्स थी और भाई सामने भी कुछ टीम थी, और कुछ बंदे तो होल्ड कर रहे थे। सबसे पहले AKM से इस वाले बंदे को नॉक करा, बारी थी इसके टीममेट की जो कि भाई से एकदम बचाने आता है। अब ये वाला बंदा भी काफी ज्यादा लेट था तो उसी से ही मर गया है। तो और मैंने जैसे ही दोनों बंदों को नॉक करा भाई उसी के साथ साथ दोनों को फिनिश भी कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये बंदे रिवाइव हो जाएं। अब यहाँ पे सिर्फ दो टीम बच रही थी, एक तो ऊपर ही है और एक साइड में थी जो कि भाई मुझे मार रही थी, अभी साइड से उन्होंने ही डैमेज दिया था इतना। अब एक बारी तुम इस बंदे का नाम देखो भाई, पतंजलि 007, और मुझे नहीं पता भाई ये कौन से नशे करता है, शायद से अपने पापा की पतंजलि बीड़ी पीता होगा। अब इस बंदे ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था, पर फिलहाल हमने इसे फिनिश करा, और बारी थी भाई अब यहाँ पे एकदम खतरनाक। भाई तुमने मूवी देखी है, मूवी वाली एंट्री देखी है ना तुमने, चलो आओ तुम्हें वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं और मेरा टीममेट देख के आए हुए थे भाई राधे मूवी का ट्रेलर, तो मैंने इसे कहा मैंने कहा अच्छा चल एक्शन करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने बिल्कुल एक खतरनाक स्टंट के साथ एंट्री मारी। अब बारी थी बस इस वाले बंदे को मारने की, पर यार इस वाले बंदे को ना थोड़ा यूनिक तरीके से मारा मैंने, इसके दो तीन बुलेट मारी उसके बाद ये खुद ही परेशान होता रहा। अब इस वाले बंदे के साथ इतने ज़्यादा बुरे गलत सीन हो गए, क्योंकि भाई ये बंदा खुद ही डांस करे जा रहा था, मैं तो इसके मार भी नहीं रहा था पता, ये खुद ही बस लगा पड़ा प्री फायर दिए जा रहा, मैंने कहा भाई मारे जा, मैंने इसके एक दो बुलेट्स मार रखी थी, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक डैमेज से मर गया आराम से। ये वाला मैच अपना बहुत ज़्यादा सही चल रहा था, हमने पूरे खतरनाक स्टंट भी स्टंट मार रखे थे, पर यार स्टंट मारने के चक्कर में जो हमारे साथ हुआ ना भाई, मैं उसके बाद बाइक नहीं उठाऊंगा पबजी मोबाइल में। यहाँ पे गाइस कार और बाइक के बीच में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, और भाई ये कच्छों वाले बंदे मार के चले गए हमें। अब एक तरीके से तुम उस वाले मैच को भुला सकते हो, क्योंकि भाई उस वाले मैच में हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया, अपना एक्सीडेंट हो गया था एक डासिया वाले बंदे से, पर उसी के बाद हम एक और मैच स्टार्ट करते हैं, और इसमें आते हैं हम भाई मिलिट्री बेस, और इस वाले मैच में अपने साथ खेला था काली चड्डी वाला और फारूफ। सच बताऊँ ना सबसे ज़्यादा गम है काली चड्डी वाले को, काली चड्डी होने का, इसकी काली चड्डी वहीं रहेगी ग्लोबल वर्जन में।
अब यार यहाँ पे मुझे बैरल मिली और बैरल को उठा के मैंने डायरेक्ट रश मार दिया और यहाँ पे एक मौत का सौदागर घूम रहा था अपने पास ही, ग्रेनेड फेंक रखा था इनने। ऐसा नहीं है, इस बंदे को गन नहीं मिली थी, इस बंदे को गन भी मिल गई थी पर उससे पहले भाई ने एक प्री ग्रेनेड फेंक रखा था पता नहीं किस खुशी में। अब यहाँ पे मुझे ये चीज नहीं पता कि भाई मैं अपने टीममेट से अलग क्यों घूम रहा था, वैसे मैं उधर ही उतरा था और ये अलग अलग बिल्डिंग में उतरे थे ताकि हमें गन मिल जाए, पर गन मिलने के बाद जैसे ही मैं अपने टीममेट के पास आता हूँ सरप्राइज। अब यार ये बंदा खतरनाक ही टीवी भी लेके बैठा था और भाई काली चड्डी वाले ने यहाँ पे तीन चार बंदे पेल दिए थे अकेले ही। यहाँ पे चड्डी वाले को भी किल मिल गया अच्छे खासे, फारूफ को भी किल मिल गया, बस बच रहा था यहाँ पे तुम्हारा भाई जो कि एक दो किल उठा के घूमता फिर रहा था। पर इतने में ही ताकि मुझे किल मिल जाए ये वाले बंदे हमारे ऊपर रश कर देते हैं। नहीं, इस वाले बंदे को मैं यहाँ पे बिल्कुल दिख ही नहीं रहा भाई, सी बिल्डिंग के ऊपर एकदम भगा चला जा रहा बिल्कुल सीधा, जैसे भाई मैराथन में भाग रहा हो, बहुत बढ़िया। फिलहाल उसे नोक करा, यहाँ पे हमारे दो टीममेट नोकते और सामने एक ही बंदा बच रहा था। अब ये बंदा भाई क्लच करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर एक भी बंदे को नहीं मार पाता। नहीं देख रहे, एक तो हम इन्हें रिवाइव दे रहे, ऊपर से डबल मीनिंग जोक भी हमारे ऊपर ही मारे जा रहे। नहीं भाई बहुत जालिम दुनिया है। मिलिट्री बेस में जितने ही बंदे थे सबके सबको मार दिया हमने मिलके आपस में। और उसके बाद गाइस मैंने और चड्डी वाले ने उठाई एक बग्गी और हम दोनों ने डिसाइड करा कि भाई आपस में मिलजुल के किल करेंगे और प्यार से रहेंगे। तो इसने भी कहा ठीक है पोचिंग की ले ले इसी बात पे। और यहाँ पे हमने पोचिंकी के क्लॉक टावर में गाड़ी लाके ठोक दी पर बंदे यहाँ पे भी दिख नहीं रहे थे। अबे ये गाड़ी बाइक साला मैग्नेट है क्या, मैग्नेट मुग्नेट लगाई बार बार। तुम पहले ही अपना कपड़ा समेटो मेरे में, नहीं तो चक्के में फट जाएगा पट्टे की तरह। मुझे तो अभी तक कोई दिखा भी नहीं था और भाई अगले मालिक ने पहलने भी शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, मतलब हमें भी खेलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं भाई, मारने दो यार एक आधा बंदा। अब यहाँ पे मैं गेम एक्स प्रो के साथ आ गया तो भाई मुझे एक आधा किल मिल भी गया। अगर मैं फारो फूरो पर के साथ आ रहा होता और मिर्मे के साथ आ रहा होता ना भाई मुझे एक किल ना मिलता, क्योंकि इन दोनों को बिचारों को एक भी किल नहीं मिला। अब दोबारा से हम अपनी बग्गी उठाते हैं और दोबारा से अपनी टीम बनाते हैं और फिर चले जाते हैं भाई किल की तलाश में। और इस बार ही बंदों को ढूंढते ढूंढते हम आ जाते हैं सीधा स्कूल अपार्टमेंट पे और यहाँ पे लाके मैंने जैसी गाड़ी ठोकी स्कूल अपार्टमेंट के ऊपर से बंदों का साउंड आया और भाई साइड से तो गोलियां भी पड़ने लगी। अब ऊपर जो है भाई दो बंदे थे और उन दो बंदों की मौत भाई क्या ही हुई, मतलब उन दो बंदों को तो संभलने का मौका भी नहीं मिला। पर उससे पहले इन दो बंदों की मौली देखना यार, ये मौली किसकी थी, ये गेम एक्स प्रो की मौली थी उन बंदों की मौली थी, मुझे समझ ही नहीं आया। इस वाली मौली में ना मैं मरता मरता बचा। और गाइस यहाँ पे मैं अपने टीममेट्स के सिर्फ किल ही फिनिश करता रह गया, यहाँ पे मुझे एक भी किल नहीं मिला। पर हाँ M4 और 6X मिल गया था यहाँ से। और M4 और 6X को उठाने के बाद मैं और फारूफ भाई हम आ जाते हैं गाड़ी लेके सीधा जॉर्ज पुल। और हमारी अच्छी किस्मत हमें सामने कुछ बंदे भी दिख गए, तो सबसे पहले मैंने कवर में गाड़ी रोकी। यहाँ पे मैंने एक ही बंदे को नोक करा था पर पीछे से भाई गुंडों की टीम ऐसे आई ना
देखना मतलब भाई सबको पेल के चलते बने ये। भाई ये KR वर्जन वाले बंदे भी सोच रहे होंगे कि ये कौन से बंदे आ गए इतने ज्यादा बुरे तरीके से मार रहे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा पेटी वगैरह लूट रहे थे, इतने में भाई गेमएक्स प्रो जो है अलग गाड़ी उठा के दूसरे बंदों पर रश कर देता है और भाई हमें हेल्प के लिए बुलाता है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा बंदे मिल गए थे इसे। अब देखो एक तरीके से हम यहाँ पे हेल्प करने ही आए थे, पर यार हमारे जो दो बंदे थे ना वो थोड़े ज्यादा सस्ते नशे करके घूम रहे थे आज। फिलहाल यहाँ पे इनके जैसे ही DP का स्प्रे पड़ता है और मैं और गेमएक्स प्रो तो भाई मैंने कहा भाई थोड़ा ध्यान से खेलेंगे, इन दोनों बंदों को जरूर मारेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे दो टीममेट पेल दिए। एक बंदे को तो मैं नोक करने के साथ साथ पूरा का पूरा फिनिश कर देता हूँ क्योंकि भाई इन बंदों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और दूसरे बंदे को गेम एक्सपर मार देता है। यहाँ पे ये वाली टीम को जैसे ही हमने मारा ना एक साथ मिल के तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हाँ मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा तगड़ा है अपना, अपन कुछ कर सकते हैं। पर थोड़ी देर बाद हमारे साथ जो होने वाला था ना वो तुम देख के कहोगे कि सालो कोऑर्डिनेशन तुम्हारे में घंटा भी नहीं है। अभी एक ड्रॉप पे जाते हुए हमें दो बंदे दिखते हैं जिन दो बंदों को तो भाई M4 से ही ठिकाने लगा दिया। यार तुम सच्चे बंदे हो बहुत। ना ना तो उसमें कोई ऐसा थोड़ी ना था कि मेरा रोस्ट होता है, उसमें तो बराबरी तो हो रही थी। इन वाले दो बंदों को मारने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था और भाई मैं खुशी खुशी जाके सीधा इसकी गेमएक्स प्रो की गाड़ी पे बैठ गया। मैंने कहा भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे किल दे रहे हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ आज खेलने में। एक तो साला ही मुझे वैसे किल नहीं करने देता और भाई ऊपर से आज एक तगड़ा गेम प्ले बन रहा था, मैंने बंदे पेल रखे थे बड़े तरीके से, इसने भी बंदे पेल रखे थे। पर भाई यहाँ पे ड्राइविंग है ना, ड्राइविंग जो हैवी ड्राइवर वाले सीन है वो तो हमारे साथ होते ही रहेंगे। पिछले मैच में मैं अपनी ड्राइविंग की वजह से मरा था और इस वाले मैच में भाई गेम एक्सप्रो की खतरनाक हैवी ड्राइविंग की वजह से मैं मर गया। अब यार यहाँ पे मैं मरा वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर भाई यहाँ पे गेम एक्सप्रो ने क्या ही खतरनाक गेम प्ले दिखाया। बेटे मौज कर दी तुम तो, शेर हो भाई। और होप सो गाइस तुम्हारा आज के लिए वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक मारते जाना, नहीं हो तुम इस वाले यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब मारो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे आके तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। और अपडेट्स के लिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।